नहीं मिलेगा, इंशाल्लाह इलाज मिलेगा। देखो अम्मा, ज़िंदगी और मौत वो खुदा के हाथ में है, ठीक है ना। जिसको चाहे दे, जिसको चाहे ले, ठीक है ना। जिसने अमानत है हमारी, हमारी ज़िंदगी तो अमानत है ना उसकी, खुदा की। तो उसने जितने दिन आपके पास रखा, आपने खिदमत की, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, आपने हर जगह उसको दिखाया, अल्लाह को जो मंजूर था, देखो वो होना तो वही है। अभी हम उत्तर प्रदेश इलाके के बुलंदशहर, एक ज़िला है और उसका एक गांव है दौलतगढ़, हम उस दौलतगढ़ में मौजूद हैं। और अब से करीबन 8-7 महीने पहले हमने तीन बच्चों की हमने एक वीडियो डाली थी, जो बेहद ज़्यादा माजूर हैं, चल नहीं सकते, उनकी हालत बेहद ज़्यादा कमज़ोर है। ये दोनों बच्चों भी अपनी दोनों पैरों पे चल नहीं सकते, सहारे से ये चलते हैं। और इनका एक बड़ा भाई था 20 साल का, वो अब इस दुनिया में नहीं है, अभी कुछ दिन पहले इसका इंतकाल हो गया। और ये इनकी दादी हैं, जिस तरह से कोशिश कर सकते थे इन लोगों ने की। आप वाले साहब हैं ना, हाँ। आप इधर आइए, बैठ जाइए भाई। तो देखो लगभग कितने साल से बीमार है बच्चे आपके तीनों? 8-9 साल का हुआ था, तो एकदम वो हेडमास्टर आए थे कार में, बोले ऐसे ऐसे बच्चे गिर जाते हैं तुम्हारे, तुम इन्हें दिखाओ। तो फिर हम बुलंदशहर ले गए थे, इन्हों बुलंदशहर वालों ने लिख दिया था अलीगढ़ के लिए। फिर अलीगढ़ ले गए तो अलीगढ़ वालों ने लिखा था वहाँ के लिए टेस्ट करके नेहरू के लिए। फिर वहाँ इलाज कम से कम 3 साल हुआ था, उन्होंने फिर मना कर दिया था। अभी आपके पास दो बच्चे हैं, ये इनका कहाँ इलाज बताया? इनका इलाज तमिलनाडु बता रहे हैं। तो लगभग कितना खर्चा है अब दो बच्चों का? खर्चा तो बहुत मोटा बता रहे हैं, 25 लाख रुपए करीब बता रहे हैं। 25 लाख तीनों को ही बता रहे थे उस टाइम पे। तो अब 13 तारीख में इंतकाल होगा। और बेटा स्कूल तो तुम जाते नहीं जाते? स्कूल नहीं जाते अभी? ये दोनों बच्चे हैं जो फिलहाल इस कंडीशन में नहीं है कि चल पाए। बेटा थोड़ा आगे आओ, आगे आगे। तुम्हारा नाम क्या है? नाम क्या बेटा? नाम सूफी। सूफी नाम है? फुरकान नाम है? फुरकान सूफी रिजवान। ये बड़ा बच्चा है ये। आपकी उम्र कितनी बेटा? 18 साल आपकी उम्र है। ये तीन भाई हैं इस घर में और ऐसे ही थे तीनों में से अब दो बचे हैं, एक का इंतकाल हो गया। और हम दिल्ली से तकरीबन यहाँ 100-125 किलोमीटर चल के आए हैं इन भाई की कुछ मदद करने के लिए, दूसरा इनकी स्थिति दिखाने के लिए कि समाज में ऐसे भी लोग हैं। हमसे जो मदद होगी इंशाल्लाह करेंगे। इन लोगों ने 15-20 साल से मुस्तकिल अपने बच्चों की देखभाल की। अभी ये दो बच्चे हैं, इन दोनों बच्चों का इलाज तमिलनाडु में बताया है और बहुत महंगा इलाज है। और अगर कोई हमारे डॉक्टर्स अगर हमारे वीडियो देख रहे हैं जो इस तरह का बॉडी इस तरह के इलाज करते हों, तो रिक्वेस्ट है कि मैं अपना मेल आईडी भेज दूँ, नीचे लिखूँगा, आप उस नंबर में मेल पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। या फिर कोई अगर आप बुलंदशहर इलाके के रहने वाले हैं तो दौलतगढ़ में आके आप पूछ सकते हैं, मस्जिद के पास इन लोगों का घर है। और आपसे जितनी हेल्प हो सकती है आप हेल्प करिए ऐसे लोगों की, क्योंकि ऐसे लोग ही आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। बहुत ज़्यादा माली हालत भी ठीक नहीं है, जो कुछ था वो अपने बच्चों की देखभाल में, अपने बच्चों के इलाज में इन्होंने गवा दिया। अभी कुछ पैसा है मेरे पास भाई में ना, ये 10,000 रुपये हैं बच्चों के लिए ना, मैंने 5,000 तो आपको भेजे थे पहले भी। मैं ये आप लीजिए, ये 10,000 रुपया है ना, ये 10,000 रुपया ये बच्चों के इलाज के लिए है, क्योंकि ना बच्चे कुछ खाएंगे तभी तो इनमें ताकत आएगी। अम्मा सब ठीक होगा इंशाल्लाह, आप हिम्मत ना हारो, ठीक है ना, आप हिम्मत ना हारो, रोना मत, रोना नहीं है इंशाल्लाह, अल्लाह सब ठीक करेगा। ठीक हो जाओगे बेटा तुम, ठीक है ना, ठीक हो जाओगे। उदास क्यों हो रहे हो ये बताओ, क्यों हो रहे हो उदास?
आपसे बस ये कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों की मदद करें और अपने अपने इलाकों में अपने अपने एरिया में देखें, ऐसे लोग मिलेंगे आपको जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है। आगे आइए, कदम बढ़ाइए, कंधे से कंधा मिलाकर लोगों की मदद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।